तो दोस्तों देख सकते हैं एक BS6 बाइक आई हुई है, जैसे कि किक मारने पर बाइक जो है चलते चलते बंद हो गई और स्टार्ट नहीं हो रही है। तो चलिए हम तो किक मारते हैं, आपको दिखाते हैं। किक ऑन है, आपको शायद सुनाई दे रहा होगा, मोटर वगैरह सब ठीक है, चल रहा बाइक में। और किक मारने पर ये सेल्फ भी काम नहीं कर रहा, सेल्फ बिल्कुल ऐसे ही घूम रहा फिर ही। और किक भी बहुत ही आसान तरीके से जा रहा है, कोई दबाव देने के बावजूद भी कंप्रेसर नहीं बना रहा है। चलिए प्लग खोलते हैं, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए गाइस देख सकते हैं हमने प्लग को ओपन कर लिया है और किक मैं देख सकते हैं ये बिल्कुल कंप्रेसर बाइक जो है बना नहीं रही है। यानी पूरा एक जरा सा भी हमारा किक भी पूरी दब रहा है, इधर कंप्रेसर कोई सा भी नहीं बना रहा है बाइक। चलिए इसको टाइमिंग चेन कवर खोलते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ओपन कर लिया है, अब किक को मारते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं हमारा किक बिल्कुल नया बीमारी है, हमारा किक पूरा बिल्कुल नया। आपको बीमारी दिखाएंगे, BS6 बाइक है, देख सकते हैं हमारा किक जो है ये बिल्कुल काम कर रहा है। और टाइमिंग चैन वगैरह जैसे कि दिखा दे 8 नंबर। चलिए हम घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं ये हमारा टाइमिंग चैन है, इसी में पूरी टूट चुका है और बिल्कुल टूट गया है। और उसके बाद ये बाइक जो है आशा करते हैं कि इसका वाल भी बच गया होगा तो ठीक है, वरना वाल भी इसका ख़राब हो गया। ये टाइमिंग चैन है पूरा टूट चुका है। चलिए ये कवर को हम ओपन करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं टाइमिंग चैन टूट कर इसी में। तो गाइस फटफट हम ऑयल को ड्रेन करते हैं, उसके बाद 8 mm को वही के बोल्ट को जो है उसको खोलते हैं, उसके बाद आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं। टाइमिंग चैन बिल्कुल टूट चुका है, आजकल बाइक में ये टाइमिंग चैन टूट जा रहा है, इतना कमज़ोर कंपनी ने बनाकर पास्ट पुर्जे दे रहा है। पहले इस तरह की बीमारी नहीं आती थी बाइक में दोस्तों, आपको बताते चले। देख सकते हैं गाइस ये टाइमिंग चैन है जो पूरी तरह टूट चुका है। अब चलिए इस मैग्नेट को ओपन करते हैं, उसके बाद अंदर के आपका जो है दिखाते हैं। सत्रह एमएम बोल्ट को हम ओपन करने वाले हैं। इसको ओपन करने के लिए हमको थोड़ा प्लग के सहारा लेना पड़ेगा, देख सकते हैं जैसे इसी प्रकार इसको ओपन हो गया। तो गाइस वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा लाइव। तो गाइस आपको बताते चले, ये इसके सेल्फ के चैन टूटने के कारण ये हमारा ये भी चैन पूरी ख़राब कर चुका है ये बाइक। इसको ओपन हम कर लेंगे, उसके बाद ये हम 8 mm का बोल्ट है वो उसको ओपन करते हैं। और देख सकते हैं ये हमारा सेल्फ का ये टाइमिंग चैन है, एक सेल्फ का ये टाइमिंग चैन देख सकते हैं किस प्रकार से टूटा हुआ है। बार बार किक मारने की वजह से ये पूरा दोनों के दोनों चैन जो है पूरा टूट चुका है। ये पहला चैन ये आधा टूट चुका है, उसके बाद ये दूसरा चैन को दिखाते चले, इसको हम ओपन करते हैं, उसके बाद आपको भी दिखाते हैं। okay.
8 mm का ये भी खोलते हैं, उसके बाद हम टाइमिंग चेन खींच कर निकालते हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये दोनों का दोनों हमारा जो चैन है वो बिल्कुल टूट चुका है। हालांकि बता दें ये सेल्फ के जो चैन है वो टूटा है, उसके बाद इसके फंसने के कारण ये भी टूट गया है, इसी के वजह से दोनों ठीक बता रहे मिस्त्री। तो दोस्तों आपको बता दें, जब भी इस प्रकार के आपका बाइक में लगे कि सेल्फ का फ्री घूम रहा है तो उसी टाइम आप बंद कर दीजिए बाइक, ज़्यादा किक मारने के प्रयास ना कीजिए, वरना देख सकते हैं परिमाण इसका पूरी दोनों टाइमिंग चैन एक की वजह से दोनों ही टाइमिंग चैन टूट गया। ये सेल्फ का जो चैन है वो टूटा हुआ था पहले, उसके बाद टाइमिंग चैन दोनों टूट चुका है। देख सकते हैं ये सेल्फ का चैन जो है टूटने के कारण ये भी चैन तोड़ दिया है उसमें फंस कर। अब चलिए हम इसको ओपन करते हैं, उसके बाद आपको चलिए गाइस देख सकते हैं हम टाइमिंग चैन इसको पहले इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद देखेंगे प्रेस कम प्रेशर बना रहा है कि नहीं ये बाइक, उसके बाद आपको दिखाएंगे आगे के प्रोसेस। ये टाइमिंग चैन हीरो का है, हीरो रोकमैन बढ़िया चलता है, अच्छा कंपनी है, और मोटा वाला टाइमिंग चैन है देख सकते हैं। ये टाइमिंग चैन इंस्टॉल करने वाले हैं, इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों इस प्रकार हम ले जाएंगे सिंपल तरीका से, तो इजी तरीका से लग जाएगा, तो इसमें लगाएंगे। तो गाइस कस्टमर को यही कहना है कि बहुत कम खर्चे में काम हो जाए तो अच्छा है। तो टाइमिंग चैन और सेल्फ का जो सेल्फ वन वे है उसका चैन डालेंगे, आपको दिखा दूँ। ये हम हीरो का सेल्फ का लाए हैं, उसमें सेल्फ वाला डालेंगे और ये टाइमिंग चैन डालेंगे। टाइमिंग सेट करने के बाद ये हम बोल्ट लगाएंगे 8 नंबर का, दोस्तों हम चलिए अब उसके बाद ये रोलर लगाएंगे। जैसे देख सकते हैं ये रोलर ख़राब हो चुका है, तो इसके बदले में ये नया रोलर लाए हैं जो ये जेन्युइन रोलर है हीरो का, देख सकते हैं इसको इंस्टॉल करेंगे, वो हार्ड हो चुका है, इसके बाद ये हम इस प्रकार से लगाएंगे। तो गाइस आराम से ये चला जाएगा देख सकते हैं। इस प्रकार से बोल्ट टाइट करेंगे 10 mm का। चलिए हम बताते चलिए अब टाइमिंग चैन जो है हम सेट करेंगे। आठ एम एम का बोल्ट है जो हम सेट करेंगे। तो गाइड उसके बाद ये डालेंगे हम इसको यहाँ जो टाइमिंग चैन को टेस्ट करके रखता है। चलिए हम फटाफट इसको टाइट करते हैं टाइम वेस्ट इस प्रकार से। BS6 में गाइस ये बदलाव थोड़ा सा ही किया हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, तो पूरा दे दिया गया है। पहले बार बार आयल लीकेज का प्रॉब्लम आता था, तो इसी में पैकिंग द्वारा दे दिया गया है ताकि ये लीकेज जो होता है वो ना आए।
इसको हम इंस्टॉल कर लिए हैं। अब थोड़ा किक मार के देखते हैं हमारा प्रेशर जो कंप्रेसर बना रहा है बाइक बना रही है या नहीं बना रही है, वो आज चेक करेंगे। हालांकि इसी बाइक यही बाइक का जो टाइमिंग चेन टूटा था इसके कारण हो सकता है, रीजन दो हो सकता है, ये भी वाल भी ना हो जाता है, पर हमको लग रहा है ठीक है क्योंकि वाल्व न बेंड होता होने के कारण ये जो है ये कट कट करना चाहिए पर एक बराबर हो रहा है। अब चलिए किक को मार के हम देखते हैं प्रेशर बना रहा है कि नहीं। चलिए किक मारते हैं। तो गाइस मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही देख सकते हैं, प्रेशर बाइक जो है बनाने लगी, तो स्टार्ट होने के लिए तैयार है। चलिए हम इसको अब लगाएंगे, सेल्फ का चैन इंस्टॉल करेंगे, हम फिट कर चुके हैं टाइमिंग चैन। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे काम प्रोसेस पूरा हो चुका है, चलिए हम मैग्नेट को इंस्टॉल करेंगे इसमें। देख सकते हो बाइक हुई है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कीजिए।